हेलो यार, कैसे हो भाई? सब क्या सब? तो आज का थीम है हमारा सोल्जर्स डे। तो तुम वीडियो ऐसे पॉज करके पहले ना ये पेंटिंग बना लेना, मतलब ड्राइंग बना लेना, ठीक है? और उसके बाद ना हम वाटर कलर करेंगे, ठीक है? तो वाटर कलर के लिए देखो, 3 लेयर में करना, 3 या 4 लेयर में। सबसे पहले मतलब मान लो बेस पे वैसे ही पानी यूज़ करके करो, फिर उसके बाद ज़्यादा मत सोचो यार। मतलब मैं कुछ भी करूँ ना, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है? बस आपको क्या करना है कि मतलब पहले बेस करो, उसके बाद थोड़ा सा जो मीडियम टोन होता है, जैसे फेस पे सारे मीडियम टोन ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ मीडियम टोन आ रहा है वो करो, फिर एकदम लास्ट टोन डालो। जैसे मतलब लास्ट टोन हो गए, जैसे गाल पे तुम हंसते हो तो एक मतलब ऐसे लाइन दिखती होगी, या फिर नाक के छेद वगैरह हो गए, या फिर कुछ मतलब जो डार्क डार्क पार्ट, जहाँ डार्क शेडो आ रहे होंगे ना, वो डार्क पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है? तो ये ऐसे डालना होता है। तो देखो, जैसे ये सबसे पहला लेयर कर रहा हूँ मैं गाल पे, ठीक है? बैकग्राउंड तो तुमने देख लिया, वो तो काफ़ी आसान है। ओके, अब देखो फेस पे जो कर रहा हूँ मैं, तो सबसे पहला लेयर कर रहा हूँ अभी मैं। ओके, फर्स्ट लेयर के बाद फिर सेकेंड लेयर करूँगा, फिर थर्ड लेयर करूँगा। और राइट साइड सारे आपके कलर्स पड़े हुए हैं, तो आपको दिख रहा होगा कौन सा कलर कब यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आप यूज़ करते रहो और पेंटिंग करते रहो। और जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी, जहाँ मुश्किल हो, वहाँ पर मैं आपको बताता भी रहूँगा। ओके, देखो जब आपको सेम टोन के अंदर कलर को मिक्स करना हो तो आपको पानी का यूज़ करना है। ओके, और जब आपको मतलब जैसे आप ब्रश को कलर में जितना घुमाओगे ना, आपका उतना डार्क कलर आएगा, ठीक है? और पानी आप जितना यूज़ करोगे, आपका उतना लाइट कलर आएगा। तो फर्स्ट लेयर के लिए हम ज़्यादातर पानी यूज़ करते हैं, और फिर धीरे धीरे पानी की मात्रा कम करते हैं और कलर की मात्रा ज़्यादा करते हैं टोन को बढ़ाने के लिए। जैसे मीडियम टोन पे और ज़्यादा, फिर एकदम लास्ट लेयर जो करोगे, मतलब एकदम जो डार्क टोन आएगा, वो उसमें बिल्कुल ही पानी कम और कलर ज़्यादा होता है बहुत। ओके, यार देखो आगे की ना थोड़ी सी वीडियो बन नहीं पाई थी, मतलब फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, ठीक है? तो ये देखो, बस मैंने इतना सा थोड़ा सा पार्ट किया था, जैसे गला किया था, तो उस पर भी आप 3 लेयर में काम करना। जैसे येलो कर देना सबसे फर्स्ट लेयर, सेकंड पे वो मतलब थोड़ा सा डार्क कोई भी कलर, और थर्ड पे उससे डार्क कलर, आपको गला दिख रहा होगा, सेम वैसे ही करना है। और होंठ के लिए तो आप पहले ऑरेंज से कर देना, और थोड़ा सा सबसे पहले जैसे ऑरेंज से बिल्कुल पानी मिक्स करके करना, ठीक है? फिर उसके बाद ना होंठ को रेड कलर से कर देना। देखो यार, तुम ना और एक चीज़ का ध्यान देना, मैं ब्रश कब कब चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे डिटेलिंग के लिए मैं बिल्कुल पतला वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और मीडियम टोन के लिए 3 या 4 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, और जो कि मतलब इस ये जो कलर का डब्बा है ना, उसके साथ ही मिलता है। हाँ, और तुम इसकी जगह वाटर केक कलर्स भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है? मतलब मैंने कहीं देखा था वाटर कलर के लिए वाले कलर्स लेने चाहिए, तो वो ले लिया था मैंने। आप वाटर केक कलर से भी सेम बना सकते हो।
ओके, वो 50 से 60 का आता है लगभग, ठीक है वो ले लेना। ये तो 300 का है, इसके साथ एक ब्रश अच्छा सा मिलता है मुफ्त, तो वो ब्रश है 3 या 4 नंबर का था, तो मतलब उससे कर रहा हूँ मैं। ओके, और एक 0 नंबर का ब्रश है, और ये फ्लैट ब्रश लगभग 8 या 9 नंबर का है।
अभी मैं सोल्जर है ना, इनके फेस के आगे मतलब एक वाइट लाइन छोड़ के, मतलब थोड़ी सी एक वाइट लाइन पतली सी छोड़ के फिर बैकग्राउंड करूँगा, ठीक है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे देखो सोल्जर भी डार्क कलर के हैं, ठीक है, और उनके पीछे अगर मैं बैकग्राउंड भी डार्क कर दूँ तो वो फेस दोनों मिल जाएगा, है ना। तो उन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम देखो जैसे ये वाइट लाइन छोड़ रहा हूँ मैं, तो बैकग्राउंड और फेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये वाइट लाइन छोड़ते हैं। ओके देखो, अब देखो कितना बढ़िया लुक आ रहा है ना। तो जब भी बैकग्राउंड आपका डार्क हो और सामने वाली चीज़ भी डार्क हो तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम हल्की सी ऐसे वाइट लाइन छोड़ के बैकग्राउंड करते हैं। ओके, और इसमें आपका हाथ बहुत स्मूथ चलना चाहिए, ठीक है, हाथ में ब्रेक्स नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए आपको आउटलाइन वगैरह बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। तो आउटलाइन वगैरह क्या, जैसे आप ड्राइंग वगैरह करते हो ना तो उसमें हाथ बिल्कुल स्मूथ चलाया करो, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है उससे। और बाकी मैं जो जो टेक्निक्स यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कहाँ पे डार्क, कहाँ पे लाइट, कहाँ पे, अब देखो ये थोड़ा सा वाइट कलर यूज़ करके आप ये सब थोड़ी डिटेलिंग्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और बाकी राइट साइड कलर्स हैं, और जैसे जैसे मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ वैसे वैसे यूज़ करो, कब पानी डाल रहा हूँ उसमें और कब मतलब कलर को हल्का कर रहा हूँ, कब डार्क कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें ध्यान में दो तो तुम सेम कर लोगे। ओके, जैसे देखो अभी वाइट से हल्की हल्की सी शेडिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, मतलब आगे फेस के आगे रिफ्लेक्शन आती है ना लाइट की, मान लो लेफ्ट साइड से धूप आ रही है तो फेस के बिल्कुल आगे आगे जो टॉप टॉप वाले पार्ट होंगे, ऊंचे ऊंचे पार्ट, वहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन आएगी, तो वो हर जगह आप वाइट करो और मतलब येलो वगैरह करो। जैसे देखो येलो करा हुआ मैंने दाढ़ी के पास हल्का सा, अब देखो ये वाइट से मतलब थोड़ा सा और लाइट दे रहा हूँ मैं दाढ़ी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, ऐसे कुछ ना लाइट का रिफ्लेक्शन ऐसे आप एज्यूम कर लिया करो कि सामने से लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है, तो उसकी वजह से फेस पे कहाँ कहाँ पे लाइट पड़ेंगी, मतलब जो जो ऊंचे वाले पार्ट है वहाँ पे लाइट पड़ेंगी, तो उस जगह बस शेडिंग देते हैं, मतलब उस जगह लाइट करते हैं। ओके, बाकी चलो देखते चलो यार तुम। देखो इसके बैकग्राउंड में ना मैं काफ़ी पानी यूज़ कर करके बैकग्राउंड करूँगा, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड ध्यान से देखना कितना अच्छा लुक आएगा बैकग्राउंड का, ठीक है। जैसे देखो पानी यूज़ करा मैंने, ठीक है, अब फिर इसको थोड़ा फैलाऊँगा मैं। ओके येलो करा, अब देखो येलो करा, अब फैला रहा हूँ मैं, देखो पानी मिक्स कर रहा हूँ मैं, देखो फिर ये रेड करा, फिर इसको पानी मिक्स करूँगा, ये देखो अब ऐसे ड्रॉप ड्रॉप ऐसे टाइप में ये वाला लुक दो, बहुत प्यारा लुक आता है। अब ऊपर ब्लू करो और ब्लू को ना मतलब ऐसे करके रेड में मिक्स कर दो, बहुत अच्छा लुक आएगा देखना अभी बैकग्राउंड का। Thank you.
ये करने के बाद यार थोड़ी बहुत डिटेलिंग कर देना। और यार ये पेंटिंग का मतलब है, जैसे देखो सोल्जर है ना, वो अपनी जान पे खेल के मतलब हमारे देश को बचाता है, और उसके बदले उसकी फैमिली होती है पूरी उनके पीछे, तो वो कितना जूझ रही होती है ऐसे करके। तो ये पूरा शो रहा है, जैसे देखो उदासी सा ऐसे है ना कि मतलब फैमिली बिल्कुल टेंशन में रहती है, फिर भी हमारे लिए मतलब सोल्जर्स करते हैं। तो ये देखो ये 24 स्पोक्स बनाओ और इसके ऊपर एक सोल्जर ऐसे खड़ा करवा देना, ओके। और यार पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो उधर से भी देख के मतलब मेरे को फॉलो करना, और फिर उधर मतलब तुम मुझे ये पेंटिंग भी भेज सकते हो, फिर मैं इसको ना वहाँ स्टोरी पे लगाऊंगा। चलो ठीक है, पेंटिंग कैसी लगी यार कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, बाय।